नॉर्मल फॉर्म हम देखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, इसमें हमेशा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होना चाहिए, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ये बोलता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि चलो एग्जांपल देखते हैं, हम देखते हैं कि सीरियल नंबर या रोल नंबर, रोल नंबर नेम मोबाइल नंबर, तो क्या होगा 101, 102, 103, इसमें क्या है, ये राम कमल सेवा, कोई भी नंबर है मानी, चलो इसका दो नंबर है, इसका भी कोई भी नंबर है, कुछ कुछ है, कोई भी नंबर है, तो क्या है इसमें, ये क्या है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, एक से ज़्यादा इसके क्या है मोबाइल नंबर, तो ये क्या ना होगा, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे हम, नेम मोबाइल नंबर, तो ये क्या करेंगे 101 राम, फिर राम का कितने नंबर है, दो नंबर है, फिर 102 कमल 93 एक नंबर, 102 कमल का एक नंबर और है, इस तरीके से हमारा अब क्या बन गया, ये क्या बन गया सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। अब देखो हर एक में सिंगल वैल्यू ही होगी, तो ये कौन से फॉर्म में हो गया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब हम देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, समझने की कोशिश करें सभी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि सबसे पहले तो वह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, फिर क्या बोलता है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट है वह फुली डिपेंडेंट होना चाहिए किस पर, कैंडिडेट की पर, किस पे होना चाहिए, कैंडिडेट की, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब हम आपको बता दें प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कैंडिडेट की को बनाने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं, जैसे अगर कैंडिडेट की है ए बी, ए कैंडिडेट की है, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे, ए होगा और बी होगा, और नॉन प्राइम क्या होंगे, जो कैंडिडेट की में नहीं है, माना कि रिलेशन में जो एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी, कैंडिडेट की के जो एट्रीब्यूट हैं वो हैं ए और बी से मिलके एक कैंडिडेट की बनी है, ए बी एक कैंडिडेट की है, तो प्राइम एट्रीब्यूट जो होंगे ए और बी होंगे, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे, सी और डी, सी और डी जो बचे वो कौन से होंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो बोला है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुली डिपेंडेंट, या मतलब कि टोटल डिपेंड किस पर होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट पर, कैसे होना चाहिए, अब हम देखते हैं, या कह सकते हैं कि इसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, या जो मैंने बोला है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट उस पर डिपेंड होना चाहिए, किस पर, कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट या कैंडिडेट की पर होना चाहिए, कैसे, क्या बोला है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है इसको देखते हैं, अगर हमारे पास रिलेशन है ए बी सी डी, ठीक, अगर रिलेशन ए बी सी डी है और ए बी एक कैंडिडेट की है, ये सब हमें मानना है, ए बी एक कैंडिडेट की है, जब ए बी एक कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट हो गए ए और बी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए,
सी और डी, मतलब जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होंगी या सेकेंड ऑर्डर फॉर्म में तब होगा, मान के चलो ए बी डिटरमाइन कर रहा है अगर सी को, ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को, और ए बी डिटरमाइन कर रहा है ए, या सी ए अकेला डिटरमाइन कर रहा है सी को, तो कहने का मतलब है जो कैंडिडेट की होगी वही जो बाकी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो टोटल डिपेंड होना चाहिए, ये चलेगा, किसी एक एट्रीब्यूट से नहीं होगा, जैसे कि पार्शियली किसी एक से नहीं होगा, इसके प्रॉपर सबसेट क्या हो सकते हैं, ए और बी, जैसे कि ए डिटरमाइन सी, ये नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो होंगे पूरे कैंडिडेट की पर ही डिपेंड होगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, किसी एक पर नहीं होगा, फुली डिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि चलो ए बी इसमें क्या थे, ए और बी थे क्या प्राइम एट्रीब्यूट, सी और डी थे नॉन प्राइम, जो भी करेगा ये दोनों मिलके करेंगे, ए बी डिटरमाइन सी ये चलेगा, ए बी डिटरमाइन ए चलेगा, क्योंकि टोटल क्या है ये कैंडिडेट की है, लेकिन ए डिटरमाइन सी नहीं चलेगा, क्योंकि ये पार्शियली इस पर क्या हो रहा है डिपेंड हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, किसी एक एट्रीब्यूट पर नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए अकेला सी को नहीं कर सकता, करेंगे तो ये कैंडिडेट की पूरी ये जो एट्रीब्यूट होगा कैंडिडेट की पर ही डिपेंड होगा, ना कि पार्शियली किसी एक पर नहीं होगा, कुल मिला के जो प्राइम जो जो कैंडिडेट की का कोई भी पार्ट है, जैसे ए और बी थे, किसी एक एट्रीब्यूट पर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड नहीं होना चाहिए, होगा तो किस पर होगा, पूरी कैंडिडेट की पर, चलो इसको देखते, इसे ही बोला जाता है पार्शियल डिपेंडेंसी, इसमें है जैसे कि फिर से हम देखते हैं एग्जांपल से, कोई भी एक हम एग्जांपल लेते हैं कि यह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है, चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लिया, रिलेशन है इसमें ए बी सी डी, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या क्या है, ए बी सी बी टू डी, ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं, तो क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, चेक करते हैं, पहले तो हम निकालते हैं इसकी कैंडिडेट की, कैंडिडेट की कैसे निकलती है, हम क्लोजर लेते हैं और जिससे सारे रिलेशन के एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो जाए वही हुई कैंडिडेट की, सभी को चेक करते हैं, लेकिन हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कैंडिडेट की निकालने की, क्या बताई थी, हम जो राइट हैंड साइड में जो वाले रिलेशन के एट्रीब्यूट नहीं है, क्या नहीं है था, सी और डी है, हर डिपेंडेंसी में टोटल कितने हैं, राइट हैंड साइड में सी है और डी दो हैं, ए और बी नहीं है, इसका मतलब है कि जो एट्रीब्यूट राइट साइड में नहीं मिले हमको वो हमेशा लेफ्ट साइड में होंगे, मतलब की के एट्रीब्यूट वो होंगे ही होंगे, मतलब ए और बी मिलके ही बनेगी, या जो कैंडिडेट की होगी उसमें ए और बी होगा, क्योंकि जो राइट साइड में नहीं है, चलो देखते हैं ए और बी को, सबसे पहले हम ए बी का ही निकाल के देखते हैं, ए बी से क्या आ रहा सी, बी से क्या आ गया डी, तो ये क्या है एक कैंडिडेट की, क्या कोई और हो सकती, सारी कैंडिडेट की निकालें कितनी हो सकती, ध्यान रखें, अब राइट साइड में देखो ए बी है क्या, नहीं, अगर होता तो किसकी जगह पर था, तो वो लिखते तो दूसरी कैंडिडेट की आती, लेकिन एक ही इसमें कैंडिडेट की निकली, कैंडिडेट की क्या है ए बी, तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुए ए कॉमा बी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गया सी और डी, अब हम चेक करेंगे कि जो भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं वो टोटल डिपेंड किस पे होना चाहिए, इस कैंडिडेट की पर, ए बी पर, ना कि ए और बी, अगर किसी एक पर होंगे तो ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी, चलो एक एक को अब हम चेक करते हैं, एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को, ए बी सी क्या यह सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, हाँ है, क्योंकि ए बी क्या है, ए बी क्या है कैंडिडेट की, ये क्या है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, मतलब ये की एट्रीब्यूट है कैंडिडेट की, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो टोटली डिपेंड है, ये तो सही है, क्या बी टू डी हो सकता है, बी कैंडिडेट की है, नहीं है, जबकि कैंडिडेट की का पार्ट है, तो ये नहीं होना चाहिए, पार्शियली डिपेंडेंट है, क्योंकि किसी एक पर डिपेंड है, होना चाहिए था तो किस पर होता, दोनों पर, और ये क्या है राइट साइड में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की किसी भी एट्रीब्यूट से नहीं होना चाहिए,
वो पूरी कैंडिडेट की पर डिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए इसमें ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, इसलिए ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। या इसी को समझते हैं अपन, ए क्या है, जो प्राइम एट्रीब्यूट है ऐसे लिखते हैं, नॉन प्राइम को इस तरीके से। अब एक एक को हम मिलाते हैं, ए भी एक कैंडिडेट की, इससे सी निकल रहा, लेकिन बी अकेले से डी आ रहा, इसकी वजह से ये नहीं है। होता तो किससे होता, दोनों से ही डिटरमाइन होना था। शायद समझ में आ गया होगा। और लेते हैं इसका एग्जाम्पल, दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, शायद समझ में आ जाए। या फिर चलो इसको देखते हैं, कोई भी एक रिलेशन है ए बी सी डी ई एफ, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले कैंडिडेट की। कैंडिडेट की निकलेगी तभी तो हमें पता चलेगा प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं, नॉन प्राइम कौन से हैं। नॉन प्राइम किस पे, कैंडिडेट की का पार्ट होना, कैंडिडेट की पर डिपेंड होना चाहिए, ना कि उसके किसी भी एट्रीब्यूट पर, पार्शियली नहीं होना चाहिए। चलो सब कैंडिडेट की हम क्लोजर मेथड से निकालते हैं। ध्यान रखें जो राइट साइड में नहीं है वह एट्रीब्यूट हमेशा लेफ्ट में आएगा, कैंडिडेट की के साथ वो एट्रीब्यूट होगा। हम राइट साइड के एट्रीब्यूट देख लेते क्या क्या है, इधर एफ है, ए है, डी है, बी है, क्या क्या नहीं है, ए है, बी है, सी नहीं है, डी है और ई। जो भी कैंडिडेट की बनेगी वो उसमें सी और ई तो होंगे ही होंगे। सबसे पहले हम ई सी ही निकाल के देखते हैं, होगा क्या, ई और सी। ई से निकल के आया ए, सी से एफ, ई सी से आया डी और ए से आ गया बी। तो ये क्या है, ई सी, ये क्या हो गई, कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की आप निकाल सकते हो सारी कैंडिडेट की, जितनी भी इसमें पॉसिबल कैंडिडेट की हैं। तो ई कैसे शॉर्ट फॉर्म में निकालते हैं हम, ई क्या है, सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, सी राइट साइड में नहीं है, ई है क्या, नहीं है, एक ही कैंडिडेट की है इसमें, कैंडिडेट की क्या है, एक, सारी पॉसिबल कैंडिडेट की निकालेंगे, कैंडिडेट की क्या है, ई सी। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, ई और सी। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, बाकी ए बी डी एफ जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब हम एक एक को मिलाएंगे कि जो हर फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करेंगे कोई पार्शियली डिपेंडेंट तो नहीं है। सबसे पहले सी टू एफ देखते हैं, सी प्राइम एट्रीब्यूट का, हाँ क्या है, सी, पूरी सी जो है प्राइम एट्रीब्यूट है और एफ नॉन प्राइम, जबकि ई सी पूरी कैंडिडेट की है। ये डिटरमाइन होना था तो ई सी से होना था, ना कि सी से। ये पार्शियली डिपेंडेंट है क्योंकि ये इसके प्रॉपर सबसेट क्या हो सकते, ई और सी, किसी एक से डिटरमाइन नहीं होना चाहिए, कौन, नॉन प्राइम होंगे तो दोनों से होंगे, तो ये नहीं है। इधर पार्शियल डिपेंडेंसी है, ई टू ए, ए भी पार्शियल डिपेंड, ये सही है क्योंकि पूरा कैंडिडेट की पर कौन है, नॉन प्राइम, ये चलेगा। ए टू डी ये भी होगा, तो इसकी वजह से यह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि पार्शियली डिपेंडेंट है। पार्शियली का मतलब ये हुआ ई सी अगर कैंडिडेट की है तो किस, तो जो डिटरमाइन होंगे दोनों से ही होंगे, किसी एक से पार्शियली नहीं होंगे। तो इस शायद इससे आप लोगों को समझ में आ गया होगा यह सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। और भी एग्जाम्पल देखें इसके, चाहो तो आप लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान के चलो अपने पास है स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी और एड्रेस। स्टूडेंट रोल नंबर है 1 1 2 3 4 1 3 1 2 3, अगर हम बोलें कैंडिडेट की इसमें कौन सा एट्रीब्यूट है, वो वैसी बात है कि इसको ए माने, इसको बी, इसको सी। कैंडिडेट की अगर मैंने बोला कि जो स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रोल नंबर जो है कैंडिडेट की है आपका, अगर दोनों कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो गए, ये दोनों हो गए प्राइम एट्रीब्यूट, ये दोनों हो गए। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ, एड्रेस। तो देखो डिटरमाइन हो रहा है क्या, ये
SID और S रोल नंबर से क्या डिटरमाइन होना चाहिए, एड्रेस दोनों से मिलके, क्योंकि ये कैंडिडेट की है तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर ऐसा नहीं होता, कोई और फंक्शनल डिपेंडेंसी होती कि SID एड्रेस, तो आप लोग शायद इसको समझ पा रहे हो, यहाँ तक आप समझे हैं, कुछ एग्जांपल करें तो समझ जाओगे। ये हो गया आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद देखेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। पहले इसका बताइए समझ में आया, तभी आगे का थर्ड नॉर्मल फॉर्म देखेंगे।